गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारतीय परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मेरा जो लक्ष्य का अर्थ, परिभाषा एवं उसकी विशेषताएं। हम सभी इस चीज से विदित हैं कि जब तक हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता है तब तक हम कार्य नहीं करते हैं। लक्ष्य और उद्देश्य सुनने में हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों ही एक हैं, लेकिन अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम इनके अंतर को जाने तो इन दोनों में बहुत ही बारीकी से इन दोनों में अंतर पाया जाता है। जैसे मापन और मूल्यांकन में, पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम में, उसी तरीके से हमारे लक्ष्य व उद्देश्य में भी अंतर पाया जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें लक्ष्य और उद्देश्य दोनों में हमें इसके अंतर को स्पष्ट होना चाहिए कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। इसीलिए जब हम इन दोनों के अंतर की बात करेंगे, उससे पहले हमें जो इसका अर्थ है कि आखिर लक्ष्य का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में जो हमारे विभिन्न शिक्षाविद हुए उन्होंने कौन कौन सी डेफिनेशन दी, साथ में इसमें कौन सी विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में भी हमें अध्ययन होना चाहिए या हम कहें हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी हम इन दोनों में अंतर को स्पष्ट कर सकेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। सामान्य अर्थ में हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति मूल रूप से अपने जो लक्ष्य की प्राप्ति करता है सफलता पूर्वक, उनके अंदर वो बहुत से साधनों की प्राप्ति करता है, उन साधनों के द्वारा वो कार्य करता है, साथ में उसे कुशलता पूर्व संचालित करते हैं और संचालित करने में हम उसके परिणाम की जो बात करते हैं कि परिणाम हमारा कैसा होना चाहिए, उसमें अधिकतम हमारा लाभ अर्जित करने वाला होना चाहिए। इसीलिए जिस व्यक्ति के द्वारा जिस उद्यमी के द्वारा उन क्रियाओं को हम निर्धारित करते हैं, उनके अंदर ऐसी योग्यता पाई जानी चाहिए कि वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके, जिनके द्वारा अपने प्रयत्न और साधनों के माध्यम से वो प्राप्त कर सके। हम अगर इसके अर्थ में देखें कि लक्ष्य आखिरकार होता क्या है, तो लक्ष्य को हम सामान्य अर्थ में जान सकते हैं विद्यार्थियों कि लक्ष्य होता है हमारा अंतिम परिणाम। लक्ष्य का अर्थ हम जाने तो लक्ष्य का होता है अंतिम परिणाम। एक हम लक्ष्य को क्या बोलते हैं, एम, यानी कि जो हमारा लक्ष्य होता है कि हमें किस तरीके से हमें उसकी पूर्ति करते हैं, इंग्लिश में हम उसे कहेंगे हमारे एम, लक्ष्य यानी एम। तो इसके लिए कहते हैं कि जिनकी प्राप्ति हेतु हम जो, यानी लक्ष्य क्या हो गया हमारा अंतिम परिणाम होता है। हम ये माने कि उद्देश्य भी नहीं, उद्देश्यों के माध्यम से हम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। जब हमें लक्ष्य यानी कि जब हम कोई कार्य करते हैं, हम जब भी कार्य करते हैं तो उस कार्य के पीछे हमारा एक जो एम छुपा हुआ होता है, हम उस लक्ष्य को निर्धारित करते हैं कि इस कार्य को करने से हमें ये प्राप्ति होगी। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि जब हमारे कोलंबस थे, जब उन्होंने भारत आए वो, तो उनका एक लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था उनका, कि वो नई भारत की खोज करने, यानी कि भारत के नए रास्ते की, नए भारत की खोज करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे वो, नए भारत की खोज करना चाहते थे, या हम कहें कि उसके लिए वो नवीन भारत के जो नया रास्ता है उसकी खोज करना चाहते थे। लेकिन खोज करते करते उन्होंने जब इस लक्ष्य की प्राप्ति तक, उनका एक लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था, नवीन भारत की खोज, लेकिन साथ में बीच में उसके लिए उन्होंने नए नए उद्देश्यों की प्राप्ति करी। यानी कि जब हम कार्य करते हैं तो जो छोटी छोटी जो कठिनाई आती है, जो छोटी छोटी हम प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, उन प्रक्रियाओं के बाद में जब हम अंतिम परिणाम तक, कहना में इस छोर से जब अंतिम छोर तक हम पहुंचते हैं, वो हमारा लक्ष्य होता है। एक चीज हम देखें कि धावक होता है वो क्या करता है, नाव चलाते हैं या धावक पानी में दौड़ लगाता है, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, उसकी मंजिल तक पहुंचना, जहां का उसका टारगेट होता है, वो उसका लक्ष्य होता है कि वो उस मंजिल तक पहुंचेगा। साथ में उसके लिए वो विभिन्न अपने आने वाली क्रियाएं या
विभिन्न कठिनाइयां होती हैं उनको वो पार करती हैं। जो विभिन्न प्रक्रिया और कठिनाइयों का वो पार कर रहे हैं वो उनके छोटे छोटे उद्देश्य हैं। और फिर ये होता है हमारा लक्ष्य। हम इस चीज से जानते हैं कि लक्ष्य ऐसा होता है, लक्ष्य का जो हम क्षेत्र जानते हैं कि एम का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, व्यापक होता है। इसके अंतर्गत अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय से जुड़े तो विद्यालय के अंदर वो समस्त क्रियाएं जो हमारे पाठ्यक्रम और पाठ्यसेगा में जो क्रियाएं होती हैं वो सभी क्रियाएं हमारी इसमें सम्मिलित होती हैं। इसके लिए कहा जाता है कि लक्ष्य के लिए हमें दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है, शिक्षा की हमें आवश्यकता होती है, तब जाके हम हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। साथ में ये भी कहा जाता है कि हम उद्देश्य तो हम छोटे छोटे कोई पूरे करते हैं, कोई छूट जाता है हमारा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो। जो हम पुनः प्रयास करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमें वो लक्ष्य हमारा, वो टारगेट हमारा पूरा नहीं होता, वो एम हमारा पूरा नहीं होता है। तो ये हमारा लक्ष्य होता है। अगर लक्ष्य को हम माने तो लक्ष्य हमारा क्या होता है, अंतिम परिणाम जिसके द्वारा हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, इसे कहते हैं हम हमारा लक्ष्य। इसके लिए हम कहें कि इसके जो सभी उपकरण होते हैं वो हमारी समस्त क्रियाएं होती हैं। जो उपकरण, इसके लिए जो साधन होते हैं वो साधन हमारी, जो विभिन्न क्रियाएं करते हैं वो क्रियाएं हमारी इसके क्या होती हैं, जो उपकरण के रूप में हम काम में लेते हैं। और इसके द्वारा हम सारे जो हमारे जो हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं उस लक्ष्य की हम प्राप्ति करते हैं। कई बार ये भी होता है कि हम लक्ष्य की प्राप्ति करते करते हम दिशाहीन हो जाते हैं, यानी हम भटक जाते हैं। हम उसकी प्राप्ति के लिए ऐसे उपकरण या क्रियाएं करने लगते हैं जिससे कि हमारी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, हमें वो अंतिम पॉजिटिव रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता, या हम जो एम लेकर चलते हैं उस एम की प्राप्ति नहीं होती। तो लक्ष्य के लिए हम सबसे ज्यादा इस चीज को जाने कि लक्ष्य होता है हमारा अंतिम परिणाम। साथ में ये एक व्यापक प्रक्रिया होती है, व्यापक इसका क्षेत्र जो व्यापक होता है, ये हमें पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, पाठ्यसैद्धांतिक क्रियाओं, इन सभी के माध्यम से हमें इसकी प्राप्ति होती है। ये हमारा एक लक्ष्य होता है। हमने देखा है कि जब अर्जुन एक धनुधारी था, लेकिन उसका लक्ष्य था कि वो मछली की आंख में जाके अपने तीर का निशाना लगाए, यानी कि उसका लक्ष्य था ये। उसके लिए उसने विभिन्न अपने उद्देश्य प्राप्त किए, अपने धनुधार उन्होंने सीखे, अनेक उन्होंने जो प्रयास किए बार बार, और अंत में जाके उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति करी। तो वही अंतिम परिणाम हमारा लक्ष्य होता है। और शिक्षा के माध्यम से हम इसको देखें कि जो हम हमारी क्रियाएं करते हैं एक दिशा निर्देश, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अध्यापक की सहायता से जो क्रियाएं करते हैं समस्त, उसके बाद में जो हमें परिणाम मिलता है जिसमें हमारी समस्त हमारे विद्यालय की क्रियाएं, पाठ्यसैगामी क्रियाएं भी और पाठ्यक्रम संबंधी सभी क्रियाएं जो हमारी उसमें सम्मिलित होती हैं वो हमारा लक्ष्य होता है। अब हम इसमें आगे इसकी परिभाषाएं देखेंगे कि कौन कौन से हमारे जो शिक्षाविद हैं उन्होंने इनके लिए विभिन्न परीक्षाएं, विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। तो वी गुड ने लिखी है कि लक्ष्य पूर्व निर्धारित साध्य होता है जो कि किसी कार्य या क्रिया को मार्गदर्शन करता है। यानी कि हम जानते हैं ना इस चीज को कि जब तक हमारे पास कोई मार्गदर्शन नहीं होता है, हम कोई कार्य जब तक हमारे लिए कहते हैं ना कि हमें जब तक कोई दिशा निर्देश नहीं करते, हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देने वाला, रास्ता दिखाने वाला नहीं होता है, तब तक हम उस कार्य को नहीं करते हैं। तो इसके लिए यही कहा जाता है कि लक्ष्य हमारा पूर्व निर्धारित साध्य होता है जिसकी कि हम क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, वो हमारी पूर्व साध्य होती है जिसके बारे में हम सोचते हैं, होता है जो कि कार्य या क्रिया को मार्गदर्शन करता है, यानी कि किस तरीके से हमें वो कार्य करना है। अब साध्य हमारे लिए, हमारे जब शिक्षा के क्षेत्र में हम हैं तो हमारे साध्य कौन हो गए, हमारे शिक्षक, जिन्होंने पूर्व में निर्धारित करके हमारे लिए वो बनाया है, वो अनुभव हमारे लिए तैयार किए हैं, वो प्रक्रिया हमारे लिए तैयार की है जिसे हम लेकर चलते हैं। जैसे हमने माना कि हम टीचर बनना चाह रहे हैं, हमारा लक्ष्य है एक अच्छा टीचर बनने के लिए, लेकिन टीचर बनने के लिए जो हमारे छोटे छोटे उद्देश्य हैं, हम माने तो सर्वप्रथम हमें पीटीटी का जो एंट्रेंस है उसी के लिए
क्लियर करना है। साथ में हम टूअर्स या कोर्स में अगर एडमिशन है तो हमें 2 साल तक हमें बीएड की पढ़ाई करनी है, उससे संबंधित हमें समस्त क्रियाएं करनी है। लेकिन साथ में जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं साध्य रूप में? हमारे शिक्षक, यानी कि वो हमें हमारे अंतिम परिणाम तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ प्रयासरत है। तो इसीलिए कहते हैं कि इसमें हमें एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जो हमारे लिए हमारे दिशा निर्देश कर सके। फिर सेकंड है, हमारे ध्रुव ने कहा है कि लक्ष्यों को भावी क्रिया और व्यवहारों के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। भावी यानी कि हमारे भविष्य में होने वाले व्यवहार। हम देखें आज हम बीएड में पढ़ा रहे हैं एक हम छात्र अध्यापक के रूप में, लेकिन ये हमारा व्यवहार भावी व्यवहार क्या बन जाएगा? हम एक पूर्ण अध्यापक बनेंगे। जहां हमारे आगे यहां छात्र अध्यापक लगा हुआ है वहां हमारे साथ छात्र हट जाएगा और हम क्या रह जाएंगे? अध्यापक। यानी कि वो हमारे पूर्व में जो व्यवहार में था, हमने जो क्रिया करी वही व्यवहार हमारे लिए हमारी भावी क्रिया बन गई और वो अनुभव हमारे लिए एक संपूर्णता प्रदान करी हमने। तो कुछ आगे इसकी कुछ दिशा में लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है, फिर भी प्रत्येक संगठन में इनकी रचना की जाती है। मैंने पहले बताया था कि जरूरी नहीं कि हम जो एम लेकर चले उस एम की हमें प्राप्ति हो, यानी कि हमें परिणाम पूर्ण रूप से 100% हमें परिणाम मिले, लेकिन हम जब भी किसी कार्य की और या किसी की संरचना संगठित करते हैं तो उसमें हमारे लक्ष्य को होना अनिवार्य होता है। कहें कि बिना लक्ष्य के हम कोई कार्य नहीं करते, इसीलिए एम हमारे लिए प्रत्येक कार्य को करने के पीछे, जिस तरह से हम कहते हैं ना कार्य करने के पीछे कारण छुपा हुआ होता है, तो वो कारण जब तक हमारे साथ नहीं होगा, हमारे लक्ष्य से जुड़ा नहीं होगा, हम उस कार्य को नहीं करेंगे। फिर आता है तीसरी डेफिनेशन दी है लुई ए एलन ने कि लक्ष्य का आशय अंतिम परिणाम से है, यानी कि इसे अंतिम रिजल्ट माना गया है वही हमारा लक्ष्य होता है, क्योंकि लक्ष्य तो हमारा अंतिम ही होता है। उसके लिए जो हम प्रयास करते हैं, हम विभिन्न क्रियाएं करते हैं, लेकिन जो हमारा अंतिम जो हमारा रिजल्ट है वही क्या है? हमारा लक्ष्य होता है। तो ये छात्रों हमने एक लक्ष्य के बारे में, इसके अर्थ को जो मैंने आपको एग्जांपल के द्वारा भी समझाया, इसके परिभाषाएं बताई, अब हम देखते हैं कि जो हमारे लक्ष्य है उसमें विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहली विशेषता हम मानेंगे कि अगर हम लक्ष्य मान रहे हैं तो वो लक्ष्य कैसा होगा हमारे लिए, उसमें क्या छुपी हुई होगी? विशिष्टता। यानी कि जब तक वो विशिष्ट नहीं होगा वो हमारे लक्ष्य नहीं होगा। तो सबसे पहला है इसमें विशिष्टता। विशिष्टता क्योंकि जब तक सबसे महत्वपूर्ण था, कहते ना सर लक्ष्य क्या होता है? जो हमारे लिए सबसे विशिष्ट होता है। अंतिम क्या है हमारे लिए? विशिष्ट, यानी कि उसी के पीछे तो हम कार्य कर रहे हैं, सारा कार्य ही हमारे लिए उसी के लिए। तो जो विशेषता प्रदान है, जो सबसे महत्वपूर्णता प्रदान है वो किसकी है? हमारे लक्ष्य की। इसके लिए कहते हैं कि विशिष्ट होते हैं ये, और इस बात की हमें किस मात्रा में, किस कितने में और क्या चाहिए, कितने समय में हम इसकी प्राप्ति करेंगे, ये सारा कार्य हम इसका पूरा करते हैं। किसके लिए? इस विशिष्टता के लिए। जो विशिष्ट है, जो विशेष है हमारे लिए, इसके पीछे हम इन सारे कार्यों को करते हैं। और साथ में हमने ये भी देखा कि जब हम सारे कार्य कर चुके होते हैं, हमारे पास ये रिजल्ट शोध निकल कर आता है कि जो हमने प्रमाणित करे हैं वो निर्देश एक हमारे लक्ष्य, एक हमारे उच्च निष्पादन में, यानी कि हमने जो कार्य किया है वो हमने एक अच्छा किया है, साथ में उसका परिणाम भी हमें अच्छा मिला। ये अगर हम जहाँ इसको अंतिम मान रहे हैं, अंतिम परिणाम, तो अंतिम परिणाम कैसा होना चाहिए हमारा? एक उच्च निष्पादन के आधार पर मिलना चाहिए कि ये हमारे लिए सबसे अच्छा है। तो सबसे पहली जो इसकी विशेषता होती है वो है इसकी विशिष्टता, यानी कि विशेष। अब सेकंड देखें हम इसकी, तो सेकंड है स्वीकृति। स्वीकृति यानी कि जिसे हम स्वीकार कर सके। हम कार्य वही करते हैं, कहते हैं ना कि हमें कार्य वही करेंगे जिसकी हमने स्वीकृति, जब तक हम स्वयं उसके लिए स्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे,
क्या हम उस कार्य को सोचेंगे, या हम इसके लिए ये कहें कि अगर हमारे अंदर योग्यता नहीं होगी तो क्या हम उसको स्वीकृति प्रदान करेंगे? नहीं। यानी कि हम स्वयं व्यक्ति के जो स्वीकार्य होते हैं, जो स्वयं व्यक्ति ने स्वीकार किया हो, वो स्वीकृति इसमें होती है, तभी हम लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। कि लक्ष्य के लिए स्वयं की स्वीकृति आवश्यक होती है, तभी हम उस कार्य को करते हैं। एक प्रभावी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को स्वयं को स्वीकार्य होने वाला होने वाले लक्ष्य की लक्ष्य होना चाहिए, जिसे वो स्वयं कर सके। अब स्वीकार्य का मतलब क्या हुआ? ये नहीं कि हमने कुछ भी आया स्वीकार कर लिया, नहीं। उस स्वीकार करने के पीछे हमारी योग्यता, हमारी क्षमता छुपी हुई होती है कि हम किस तरीके से हम उसे करने के लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से क्या हम उसके लिए सक्षम है, हम उस कार्य को कर सकते हैं, तभी हम उसे स्वीकृति प्रदान करेंगे। ये इसकी विशेषता होती है। थर्ड आता है हमारा आयामों की स्वीकृति। आयाम मीन्स जो हम उसके लिए विभिन्न साधन जो हम काम में लेते हैं वो हमारे आयाम होते हैं, यानी कि आयामों की स्वीकृति। आयामों की स्वीकृति जिनके माध्यम से हम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। हम इस क्षेत्र में हमें कैसा परिश्रम करना है, उन परिश्रम करने के लिए यदि कार्य करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, हम उसे निर्धारित करते हैं। साथ में हमें उसे किस तरह से निष्पादन शुरू करेंगे, हम किस तरह से उसे खत्म करेंगे, ये सारे हमें कहां हमारे आयामों की स्वीकृति से मिलते हैं। हम उनके माध्यम से हम कार्य करते हैं कि जिस विधि के द्वारा हम कार्य कर रहे हैं तो उसी के लिए हमें उन्हें विभिन्न आयामों का भी प्रयोग करना होता है। तो तीसरा हो गया इसकी विशेषता, आयामों की स्वीकृति। फिर आता है हमारे इसके लिए प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि जब भी हम जो कार्य करते हैं, जिस लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका पुनरावलोकन करते हैं। पुनरावलोकन करेंगे, जब हम पुनरावलोकन करते हैं तब हमें पता चलता है कि अगर हम भी उसी लक्ष्य पे, एक लक्ष्य में अगर हम दो व्यक्ति कार्य करते हैं, एक पहले कर चुका होगा, तो हम उसकी प्रतिपुष्टि, उसका फीडबैक देखेंगे कि किस तरीके से उस व्यक्ति ने कार्य किया। यानी पूर्व में निर्धारित उन कार्यों का हम पुनरावलोकन करेंगे कि किस तरीके से ये कार्य किया गया है। हम देखते हैं आज विभिन्न जो हमारे कोचिंगों में, इंस्टीट्यूटों में जो टीचर पढ़ाते हैं, या हम कहें एक आरएस अधिकारी बन जाता है, जब वो अपना एक इंटरव्यू देता है, अपने इंटरव्यू देता है, तो हम उसके इंटरव्यू को इतने इंटरेस्ट होकर क्यों देखते हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं उन अनुभवों को अपने जीवन में या हमारे कार्य में उतारने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि हम उसके लिए, हमारा क्या फीडबैक है, हम कैसे उस कार्य को उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यही बात इसमें कही गई है कि हम पुनरावलोकन के द्वारा हमें उस प्रतिपुष्टि से यह ज्ञात हो जाता है कि हमें हमारे जो लक्ष्य है उसे हम किस तरह से माप सकते हैं, हम उसे लक्ष्य की प्राप्ति हम कहाँ तक कर सकते हैं। फिर आता है हमारा इसमें देखें कि हमारे जो लक्ष्य होता है वो कैसे होने चाहिए, महत्वपूर्ण होने चाहिए। लक्ष्य हमारे कैसे होने चाहिए, महत्वपूर्ण। जब तक हमारा कार्य है, जिस चीज के पीछे हम मेहनत कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं होगा, हम उसे अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे, तब तक हम उस पर कार्य नहीं करेंगे। फिर हमारी इसकी विशेषता, किसका क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक होता है। यानी कि लक्ष्य कैसे होते हैं, व्यापक होते हैं, जिनके लिए हम छोटे छोटे उद्देश्यों को लेकर चलते हैं और फिर हम उन उद्देश्यों की हम प्राप्ति करते हैं, उसके पीछे हम मेहनत करते हैं। एक हम कहें कि ये हमारे जो कक्षा की जो रणनीति होती है उसके निर्धारण में भी सहायक होते हैं। कक्षा कक्ष के निर्धारण में सहायक, यानी कि जो हम कक्षा कक्ष में जो रणनीति बनाते हैं कि किस तरीके से हमें पढ़ाना है, उसके लिए भी हमारे लक्ष्य क्या होते हैं, हमारे लिए एक सहायक के रूप में हमारे कार्य करते हैं। और हम एक चीज में देखें कि लक्ष्य का
सामान्य जो कथन है उसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे लिए सामान्य कथन होता है, स्टेटमेंट हो जाए। मैं कहूँ मैं टीचर बनूंगा, यानी कि टीचर को हमने सामान्य शब्द में कर दिया, हमने कथन कह दिया कि हमने ये लक्ष्य बनाया है कि एक हमें अच्छा टीचर बनना है, हमें कहते हैं एक अच्छा नागरिक बनना है, हमें कहेंगे एक अच्छा हमें एक आरएस अधिकारी बनना है। तो इसके लिए कहते हैं कि ये एक सामान्य कथन के द्वारा हम इस चीजों को कह देते हैं कि हमें लक्ष्य की हमें प्राप्ति करनी है। तो इसके लिए कहते हैं कि ये एक सामान्य कथन होता है। तीसरा था जैसे कि शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति निश्चित नहीं है, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित नहीं होती, जरूरी नहीं है कि हमें वो लक्ष्य हमें प्राप्त हो, जरूरी नहीं है कि हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाए, उस एम को हम प्राप्त कर पाए। इसीलिए कहते हैं शैक्षिक लक्ष्य की प्राप्ति जरूरी नहीं है कि वो निर्धारित हो, उसकी प्राप्ति हमें हो जाए। एक हमने बताया था कि शैक्षिक जो लक्ष्य होते हैं वो कैसा होता, हमारा अंतिम परिणाम होता है, ये भी हमारे एक लक्ष्य की परिभाषा होती है। तो ये आज हमने पढ़ा है लक्ष्य के आठ और परिभाषा, जैसा कि हम जो उनके नाम है लक्ष्य और उद्देश्य दोनों में एक शैक्षिक उद्देश्य के आधार पर जो इनमें अंतर पाया जाता है उस अंतर को मैंने आज स्पष्ट किया है। और ये प्रश्न भी हमसे हमारी परीक्षा में पूछा जाता है कई बार कि लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, या हम कहें कि नागरिक शास्त्र विषय में आप उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए, लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए, इस तरीके का प्रश्न भी हमसे हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है। धन्यवाद।